साल 2002 में दिल्ली पुलिस ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण की शुरुआत की। इसके लिए 25 ट्रेनर्स को कड़ा प्रशिक्षण दिया गया। अब चुनौती थी कि दिल्ली की महिलाओं और लड़कियों को आत्मरक्षा ट्रेनिंग के लिए कैसे प्रेरित करें। इसके लिए ट्रेनर्स ने बड़े स्टेडियम्स, स्कूलों और कॉलेजों में जाकर लड़कियों को प्रशिक्षण के लिए प्रेरित किया। इससे ग्रीष्मकालीन शिविर में महिलाओं की प्रतिभागिता बढ़ने लगी। इस दौरान कई बार लड़कियां घरेलू हिंसा और यौन हिंसा का शिकार होने की बात बताती। साल 2016 में दिल्ली पुलिस ने 30 ट्रेनर्स को 4 महीने के लिए ITPP सेंटर मसूरी में भेजा। बहुत कड़े अभ्यास के बाद कराटे की प्रैक्टिस की। लगातार अभ्यास करते हुए ट्रेनर्स ने कराटे में ब्राउन बेल्ट हासिल की। दिल्ली वापस आकर व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन हुआ। अब शीतकालीन अवकाश के दौरान भी प्रशिक्षण की शुरुआत हुई। दिल्ली के स्कूलों के करीब 650 PT टीचर्स के लिए भी ट्रेनिंग सेशंस आयोजित हुए। दृष्टिबाधित और मूक बधिर महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए ट्रेनर्स ने खुद को तैयार किया। ट्रेनर्स महिलाओं को आत्मरक्षा की बुनियादी तकनीकें सिखाते हैं और रोजमर्रा इस्तेमाल की वस्तुओं के प्रयोग से अपना बचाव भी सिखाते हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की सभी प्रकार की हेल्पलाइन नंबर, महिलाओं और बच्चों के कानूनी अधिकार, हिम्मत प्लस, साइबर क्राइम और छोटे बच्चों के लिए अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श, जेंडर सेंसिटाइजेशन वगैरह की जानकारी देते हैं। इस विंग में 37 सेल्फ डिफेंस ट्रेनर और 3 कोचों की टीम है। 2002 से अब तक इस टीम ने करीब 400 कार्यशालाएं की हैं। इसमें करीब 7 लाख प्रतिभागियों को ट्रेन किया गया है। 2017-18 में करीब 5.5 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। इसके लिए इस टीम का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ। स्पोवेक टीम की सेल्फ डिफेंस टीम को स्कॉच सिल्वर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। दिल्ली पुलिस स्पोवेक की सेल्फ डिफेंस यूनिट का मुख्य उद्देश्य दिल्ली की महिलाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से सुदृढ़ और आत्मनिर्भर बनाना है। ये था वर्तिका नंदा की आवाज में आज का किस्सा खाकी का।